नमस्कार, तेज हरियाणा के मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे हरियाणा की एक बहुत ही अच्छी राहत देने वाली खबर के साथ। वो अपडेट ये है कि हरियाणा में कोविड 19 का रिकवरी रेट अब 83% के पार जा पहुंचा है। वहीं पर पिछले 24 घंटों में हरियाणा में ठीक होने वालों की संख्या 750 रही, तो 24 घंटों में 792 नए कोरोना के पॉजिटिव केस पाए गए, जहां पर अब हरियाणा में टोटल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 41,635 पर पहुंचा है और अब तक ठीक होने वालों का आंकड़ा है वो 34,781 पर पहुंचा है। वहीं पर सुखद बात यह है कि हरियाणा में लगातार रिकवरी रेट में सुधार हो रहा है और पिछले लगभग एक महीने से जो रिकवरी रेट है वो 80% के ऊपर लगातार स्थिर है और अब वो 83.54% पर पहुँच गया है। अब आपको बताते हैं कि हरियाणा के किन जिलों को सबसे बड़ी राहत है जहां पर कोरोना की ब्रेक लगी है। चरखी दादरी से पिछले 24 घंटों में कोई केस नहीं मिला है, इसके साथ ही रोहतक से भी कोई केस नहीं है। झज्जर और फतेहाबाद से सिर्फ एक एक कोरोना का पॉजिटिव केस है वो सामने आया है। सबसे ज़्यादा कोरोना के पॉजिटिव केस फरीदाबाद में 150 केस मिले हैं, गुरुग्राम से 80 केस मिले हैं, सोनीपत से 53 पॉजिटिव केस मिले हैं, रेवाड़ी से 42, अंबाला से 52, पानीपत से 55 केस, करनाल से भी 93 केस मिले हैं, हिसार से 20, पलवल से 37, झज्जर से 1, महेंद्रगढ़ से 27, भिवानी से 6, पंचकुला से 32, नूह से 2, कुरुक्षेत्रा से 39, सिरसा से 48, फतेहाबाद से 1, यमुनानगर से 43, जींद से 6 और कैथल से 5 कोरोना के पॉजिटिव केस हैं वो सामने आए हैं। अब बता हम जिक्र करते हैं उन तमाम जिलों का जहाँ पर कोरोना के लोग हैं वो ठीक होकर घर लौटे हैं। 100 मरीजों को डिस्चार्ज गुरुग्राम से किया गया है, 187 को फरीदाबाद से, 81 मरीजों को रेवाड़ी से, 49 से अंबाला को, रोहतक से कोई भी ठीक नहीं हुआ, पानीपत से 35 ठीक हुए हैं, करनाल से भी 77 मरीज ठीक हुए हैं, हिसार से 19, पलवल से 39 मरीज ठीक हुए हैं, झज्जर से 15, महेंद्रगढ़ से 11, भिवानी से 2, पंचकुला से 34, नूह से 6, कुरुक्षेत्रा से 33, सिरसा से 11, 20 मरीज फतेहाबाद से, यमुनानगर से कोई ठीक नहीं हुआ, 25 मरीज जींद से और कैथल से भी 6 मरीज ठीक हुए हैं। तो कुल मिलाकर पिछले 24 घंटों में 750 मरीजों ने कोरोना को मात देते हुए घर वापसी की है। वहीं पर 9 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत और मौत का आंकड़ा अब 483 पर जा पहुंचा, जहां पर एक एक मरीज ने जो कि सोनीपत और फरीदाबाद में दम तोड़ा है, जबकि 2 मरीजों की मौत कुरुक्षेत्रा और 5 की मौत है वो यमुनानगर में हुआ है। फिलहाल हरियाणा में सक्रिय एक्टिव केस की बात करें तो अभी भी 6,371 लोगों का इलाज है वो जारी है और सबसे अच्छा जो रिकवरी रेट है हरियाणा में वो गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले का रिकवरी रेट है वो बहुत ही शानदार और झज्जर का भी बेहद अच्छा शानदार रिकवरी रेट है। सबसे कम एक्टिव केस की हम अगर बात करें तो 47 सक्रिय केस नूह में है, 91 लोगों का इलाज अभी भी जींद में चल रहा है, कैथल में 97 का, चरखी दादरी में 61 का, 68 मरीजों का इलाज झज्जर में, जबकि 70 मरीजों का इलाज भिवानी में और 47 मरीजों का इलाज नूह में। वहीं पर फरीदाबाद में 833 मरीजों का इलाज चल रहा है तो गुरुग्राम में 662 मरीजों का। हरियाणा सरकार के जारी स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार अभी तक कुल 744,080 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 696,664 की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 5,781 की रिपोर्ट का अभी तक भी इंतजार है। तो ये हरियाणा की हमने पूरी तस्वीर बताई है कि किस तरीके से जो अभी तक अगर नंबर ऑफ डेथ की बात करें तो 345 पुरुषों की मौत हुई है, जबकि 138 महिलाएँ हैं जो कि कोरोना की वजह से मौत हुई। तो कुल मिलाकर 483 लोगों की कोरोना की वजह से मौत और हरियाणा में रिकवरी रेट है वो 83.54% पर पहुंच गया है। आपसे कोरोना से गुजारिश एहतियातन ये अनुरोध करते हैं कि आप तमाम नियमों की पालना करें। भले ही अनलॉक 3 की शुरुआत होगी लेकिन सोशल डिस्टेंस के साथ साथ चेहरे पर मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। जरा भी कोताही लापरवाही ना बरतें क्योंकि ये लापरवाही बड़ी जोखिम में डाल सकती है, क्योंकि कोरोना के खिलाफ अभी जंग जारी है। और हम उम्मीद करते हैं हरियाणा के तमाम जिले बहुत जल्द कोरोना से मुक्त हों। आप हमेशा स्वस्थ और सुखद रहें, अपने मित्रों दोस्तों का पूरे प्यार परिवार का ख्याल रखें और बिना वजह घर से बाहर या फिर सार्वजनिक स्थान पर भीड़ का हिस्सा ना बने। अगर जाना भी पड़े मजबूरी में कहीं तो मास्क का इस्तेमाल रखें और सामाजिक दूरी को भी ख्याल में रखें। लगातार तेज रहना आपको हर अपडेट आंकड़ों के आधार पर पहुंचाता रहा है और पहुंचाते रहेंगे और उम्मीद करते हैं जल्द हरियाणा कोरोना से मुक्त हो। आप सबका दिन शुभ रहे, एक गुजारिश, अगर आपने तेज हरियाणा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी साथ जरूर दबा दें। आप सबका दिन शुभ रहे, बहुत बहुत शुभ।